जी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर जा रहा हूँ। एक्चुअली इंडियन ग्रोसरी एंड पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर इकट्ठा ही है, तो आज थोड़ा सामान लेके आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। बस थोड़ा सा ही रह गया, दस मिनट कह रहा हूँ, 5 मिनट का रास्ता रह गया, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी ठंड है, बट इट्स वेरी गुड। सो मैं आज बाहर निकला कि यार सामान लेके आते हैं घर का, थोड़ा तो आपको भी दिखाता हूँ कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर, इंडियन स्लैश पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर में क्या क्या मिलता है। तो एक बार मैं पहुँच जाऊँ फिर दिखाता हूँ। ये मास्क मैंने इसलिए पहना है क्योंकि रोड क्रॉस करते हुए कभी कभी लोग आते जाते रहते हैं, तो मास्क पहनना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे पीछे देखो जैसे रोड है, तो वहाँ से रेड लाइट से क्रॉस करता हुआ आ रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, तो पहनना ज़रूरी है मास्क। आपको दिखाता हूँ चल के अंदर, गवर्नमेंट पहुँच जाऊँ मैं। ओके, ये मैं आपको वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ, ये स्टोर तो साथ में आ गया, ये है स्टोर, ज़ूम कर दूँ मेरे साथ देखो, ये दीवार इंडियन पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर की, एंड इसकी जो एंट्रेंस है वो दूसरी तरफ जाके है, तो मैं आपको सामने से भी दिखाता हूँ, और अगर किसी ने रोका ना तो मैं वीडियो भी मतलब छोटी सी रिकॉर्ड कर लूँगा, लाइक कि सामान क्या क्या मिलता है, तो आपको दिखाता हूँ। ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन ग्रोसरी स्टोर का, तो वो भी दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट दूसरे एंगल से। सी दिस, ये दिख रहा है आपको, ये सामने डोर आ गया आपको अगर दिख रहा हो तो, इंडियन पाकिस्तानी स्टोर का। ये ऐसी कार्ट मिलती है यहाँ पे भी, तो मैंने उठा ली, मैंने अंकल चिप्स और चाय का सामान ले लिया। पूरी मंडी लगी हुई है भाई, देखो अंकल जी सामान ले रहे हैं, सब्जियां इधर। ओ देखो भाई, आलू पराठे आ गए अपने, 4 पैकेट मैंने भी ले लिए, बहुत टेस्टी होते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये ब्रेड का सेक्शन है, ये सेक्शन बिस्किट्स का है, और आगे भी 2-4 सेक्शन पड़े हैं। यहाँ है अपनी पसंद के बिस्किट्स, पार्ले जी, मोनाको, मतलब जो इंडिया में मिलते हैं। आई एम एंजॉइंग शॉपिंग हियर, इट्स कोजी एंड अ नाइस प्लेस। चिंग्स की सॉस पड़ी है, ये पिकल पड़े हैं, पर मैं पिकल में बस है गए हैं, बट चलो क्या ही लेने, अगले तो मैं खाता नहीं। दालों का सेक्शन है, वो चावल रखे, आटे रखे। सामान देखो, सामान तो मैंने खरीद लिया है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरे को लगी आज वो पैरी पैरी का मसाला, बिकॉज मैं बहुत टाइम सोच रहा था खुद बनाने के लिए, बट मेरे पास सामान नहीं था, बट ना आई बॉट इट, मसाला ही ले आया मैं सीधा, मेरे पास टेंशन ही ख़त्म, सीधा मसाला ही ले आओ। तो आज की आज का बड़ा काम पैरी पैरी मसाला, एक दिन राइस बनाएंगे फटाफट और डाल देंगे खूब सारा मसाला उसमें। और उसके अलावा मैंने लिया है पराठे लिए थे आपको दिखाए थे, चाय का सामान जैसे नमक पारे और क्या लिया था, बाकी सब तो मेरे पास पहले से पड़ा ही था, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो बहुत से लोग अभी भी आ रहे हैं मेरे पीछे, बिकॉज मैं रोड के साथ साथ चलता हूँ। तो व्लॉग तो मैंने बना लिया, बस अंधेरा हो गया, अब रात के 8 बज रहे हैं, 8:30, तो थोड़ी बहुत रोशनी चली गई है यहाँ पे, तो लाइटनिंग थोड़ी कम है, बट ज़्यादा बड़ा व्लॉग तो बना नहीं पाया मैं, बिकॉज एक तो यार वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, और कोविड के टाइम पे ज़्यादा एक जगह खड़े भी नहीं हो सकते, बिकॉज लोगों ने आना जाना होता है वहीं से, तो अगर मैं रास्ता ब्लॉक करके व्लॉगिंग करने लग जाऊँ तो दिक्कत है, फिर वो बोलेंगे कि यार खड़ा होकर क्या कर रहा है, तो स्टोर इतना छोटा है, और वो पड़ा मेरा सामान वो देख रहे हो। तो इंडियन पाकिस्तानी स्टोर में क्या, आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा, हर तरह का, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बड़े स्टोर्स में मिलेंगी, आप जैसे वॉलमार्ट फ्रेश को, तो आपको वहाँ जाना पड़ता है। ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, बट जितना मेरे से हुआ मैंने कर दिया, क्योंकि वही मैं इतना ज़्यादा पब्लिक में रिकॉर्ड करता नहीं, मुझे आदत नहीं है, तो धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो लाइक कर देना अगर पसंद आया हो, तो लाइक करे बिना जाना मत, तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई क्वेश्चन हो तो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तो बाय।